डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 फॉर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 यदि एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 यदि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लेस देन आर इक्वल टू 10। तो फलन एफ ऑफ एक्स के सांतत्य पर विचार कीजिए, यानी हमको क्या करना है, ये फंक्शन तीन तरह से डिफाइंड है, परिभाषित है, और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि इन बिंदुओं पर जो कंडीशन दी हुई है कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप देख रहे हो एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 यहाँ पर है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1 है और यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 1 है। तो हम एक्स इक्वल टू 1 पर जो है इसकी कंटिन्यूटी पहले चेक करेंगे, एक्स इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फिर आप देख रहे हो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, यानी एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है और एक्स लेस देन 3 है। तो एक्स ग्रेटर देन 3 है, लेस देन 3 है, इक्वल टू 3 है, तो एक्स इक्वल टू 3 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्यों? जब एक्स इक्वल टू 3 है और एक्स ग्रेटर देन 3 है, लेस देन 3 है, तो ग्रेटर पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेस देन पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ऐसे एक्स इक्वल टू 1 पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एक्स ग्रेटर देन 1 हो जाएगा हमारा राइट हैंड लिमिट, एक्स लेस देन 1 के लिए जो फंक्शन होगा वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। ये तरीका चलिए यहाँ पर कह रहे हैं एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 3 है, क्योंकि वेरिएबल नहीं दिया, नहीं वैल्यू निकाल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए ये हमारी नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन, इस पर ये मान लिया कुछ पॉइंट है एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू 10। क्या कह रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू हम 1 पर पहले चेक करेंगे और एक्स ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 हमारा इधर होगा और लेस देन क्या होगा, इधर होगा, तो उसका वैल्यू हम निकालेंगे। चलिए और क्या करेंगे, हम ये भी निकालेंगे कि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 1 पर निकालेंगे, फिर एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 पर निकालेंगे, चेक करेंगे ग्रेटर देन 3 लेस देन आर इक्वल टू 2, इतनी चीज़ों को चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले आ जाते हैं एक्स इक्वल टू 1 पर, एक्स इक्वल टू 1 पर बिंदु एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन हमारा डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 3, एफ एक्स पर फलन एफ एक्स इक्वल टू 3, यही फंक्शन की वैल्यू भी हो जाएगी, है ना। एक्स पर फलन का मान हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वेरिएबल तो दिया नहीं हुआ कि 3x या 4x है, फलन का तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं एक्स इक्वल टू 1 पर फलन का मान एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब एक्स इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे ग्रेटर देन 1 के लिए, देखिए ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन 1 यहाँ पर है, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 1 लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 पर जब एक्स ग्रेटर देन 1 तो राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या है, एक्स ग्रेटर देन 1 करोगे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 है, ये फंक्शन की वैल्यू 4 है। अब एक्स लेस देन 1 यहां पर देखिए यहां पर दिया हुआ है, तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू 1 पर जब एक्स लेस देन 1 तो लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस
f of x is equal to x less than 1, यहाँ पर देखो x than 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 है, हो गया हमारा f of x equal to 3। तो आप देख रहे हो राइट हैंड लिमिट 4 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि RHL does not equal to LHL, इसलिए x is equal to 1 पर फलन संतत यानी कंटीन्यूअस नहीं है। चलो x equal to 1 पर फलन क्या है, संतत नहीं है, माने क्या हुआ असंतत है x equal to 1। क्लियर। अब x equal to देखिए 3 पर चेक करेंगे, इस पर क्या हो गया, इस पर हो गया असंतत। अब x equal to 3 पर चेक करेंगे, लिखेंगे x equal to 3 पर, तो आप देख रहे हो x greater than or equal to 3, यानी x equal to 3 यहीं पर, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या होगा 5 होगा। तो लिखेंगे x equal to 3 पर फलन का मान f of 3 equal to कितना, फलन का मान 5 है। चलो अब क्या निकालेंगे, x greater than 3 के लिए भी यही फंक्शन है, x greater than 3 माने इधर ठीक 3 के दाहिनी तरफ, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी 3 के दाहिनी तरफ। तो लिखेंगे x equal to 3 पर जब x greater than 3, जब x greater than 3 तो RHL that is limit x tends to 3 plus f of x क्या है, greater than 3 के लिए फंक्शन की राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब x less than 3 देखिए यहां पर है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 4। लिखेंगे x is equal to 3 पर जब x less than 3 तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL अर्थात लिमिट x tends to 3 minus f of x क्या है 4। तो आप देख रहे हो तीनों बराबर होना चाहिए, मगर इसमें से दो बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है एट द गिवन पॉइंट 3। तो लिखेंगे चूंकि RHL does not equal to LHL, इसलिए x is equal to 3 पर फलन संतत नहीं है, यानी असंतत। x equal to 3 पर भी फलन क्या हो गया, असंतत हो गया, 3 पर भी हो गया फलन असंतत। चलिए, तो 1 पर असंतत हो गया, 3 पर असंतत हो गया। अब हमको ये चेक करना है कि x की वैल्यू जब 0 है और 1 है और उसके बीच है, x की वैल्यू 0 है 1 है और इसके बीच है, तब उन पॉइंट्स पर क्या होगा। तो लिखेंगे फॉर ऑल x greater than or equal to 0 less than or equal to 1, दैट इज इसी को ये भी कहेंगे x belongs to closed interval 0 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 0 भी होगी 1 भी होगी और 0 और 1 के बीच भी होगी। इस पर चेक करना हम कि 0 पर क्या होगा, 1 पर क्या होगा और 0 और 1 के बीच जितने भी बिंदु हैं उस पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे फॉर ऑल x greater than or equal to 0 less than or equal to 1, दैट इज x belongs to closed interval 0 1। अब देखो क्या है, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, क्या पाव x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू 3 होगी, 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू 3 होगी और 0 और 1 के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर फंक्शन की वैल्यू 3 हो गई। और ये जो 3 वैल्यू आई है, 3 एक ऐसा फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। लिखेंगे जो कि
जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन वन फलन एफ क्या होगा, संतत होगा। ये बात हो गई। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर, वन पर, और इसके बीच जो पॉइंट्स हैं वहां पर क्या होगा, संतत होगा। क्लियर हो गया इसके लिए। अब देखिए आते हैं। अब एक्स ग्रेटर देन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन लेस देन थ्री, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू वन थ्री, यानी एक और तीन के बीच चेक करना हमको, एक और तीन के बीच चेक करना कितने पॉइंट्स हैं। तो क्या है फंक्शन की वैल्यू, फोर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन लेस देन थ्री, एफ क्या होगा, फलन एफ संतत होगा। अब तीसरा है एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री लेस देन आर इक्वल टू थ्री, यहां भी लिखेंगे माना फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री लेस देन आर इक्वल टू टेन, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल थ्री टेन, क्या होगा फंक्शन की वैल्यू, क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए एफ क्या होगा, संतत होगा। तो क्वेश्चन हमारा था कि संतत्य पर विचार कीजिए, तो हमने सब पॉइंट्स पर विचार कर लिया। तो जो फंक्शन डिफाइंड है उसमें x इक्वल टू वन और x इक्वल टू थ्री पर तो लिखेंगे, अतः x इक्वल टू वन तथा x इक्वल टू थ्री पर फलन आ संतत है। क्लियर, इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया।